कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। साथ में इशारा भी कर रहे हैं कि वे सरकार में भी मंत्री बनने का मन रखते हैं। कांग्रेस की सरकार का समर्थन करने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नजदीकी होने का दावा करने वाले शेरा अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि कौन नहीं चाहता मंत्री बनना, मैं भी चाहता हूं कि मैं मंत्री बनूं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं मंत्री बनूं। मंत्री बनने के बाद ज्यादा पावर होगी, अभी एमएलए हूं तो इतनी पावर है, इतने बड़े बड़े काम करवा रहा हूं, मैं सरकार के साथ हूं, सरकार मेरा साथ दे रही है, मेरे क्षेत्र में काम करा रही है। और खुशखबरी यह है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां 2021 तक पीने का पानी नल के द्वारा घर घर दिया जाएगा, जिसमें सरकार ने 3,000 रुपए का प्रोविजन रखा है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के इस अंदाज से साफ हो चुका है कि वे जिसकी सरकार होगी यानी जिसका पलड़ा भारी होगा वे उसके साथ होंगे, और मंत्री बन गए तो पावर में होंगे। मैंने तो आपको बोला था कि आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आप भी मंत्री बने, सभी ख्वाहिश रहती है आगे बढ़ने की। बिल्कुल बिल्कुल ख्वाहिश है, और पावर रहेगा तो ज्यादा काम होंगे। अभी एमएलए बनके इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं शिवराज सिंह जी मेरा, और हमारे बुरहानपुर में एक स्पिनिंग मिल है उसके लिए भी शिवराज सिंह जी ने कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल लगाने की बात की, उसको भी पूरा सहयोग करने का बोल दिया है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, पूरा वादा किया कि आपकी स्पिनिंग मिल लगवाएंगे हम लोग। मैं तो सरकार के साथ हूँ और सरकार की बुलंद कर रहे हैं, और सरकार हमारा साथ दे रही है, मेरे क्षेत्र का काम कर रही है। और आपको खुशखबरी सुना देता हूँ, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर पहला जिला है जहाँ 100% पीने का पानी नल के द्वारा दिया जाएगा, जिसको जिसके लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, ये कल पेपर में डिक्लेयर हुआ है। ओनली जिला बुरहानपुर जिला एक अकेला ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ 2021 मार्च तक पीने का पानी नल के द्वारा एक एक घर में पहुंचेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।